हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में ना कुछ स्पेशल प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूँ जो कि है थोड़ा हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। और वो है स्टेडफास्ट की तरफ से आने वाले वे प्रोटीन पाउडर, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज पर्सनली मुझे एक फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद आया जो कि है इनका रोज ठंडाई फ्लेवर, ठीक है। वैसे मैंने मिक्स मंगाया था, दो पैकेट्स मंगाए थे, मतलब दो डब्बे मैंने और मेरे फ्रेंड ने शेयर करके यूज कर लिया। सो ऐसे ही सैशेज में आता है, नॉर्मली टिपिकल डब्बे में प्रोटीन आते हैं वैसा नहीं रहता है। ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा था कि ये सैशेज में प्रोटीन आता है। इसके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा कि आपको स्कूप ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू नो, ऐसा डब्बे से स्कूप निकाला थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। एट द सेम टाइम पे आप इसको बहुत कन्वीनियंटली कैरी कर सकते हो। जिम में प्रोटीन पीना रहेगा, बहुत लोग को कैरी करना प्रोटीन बहुत रिस्की लगता है, मतलब शेकर के जो कप रहते हैं उधर से गिर जाता है, बैग खराब हो जाता है। एंड इवन अगर जब हम ट्रैवल करते हैं तो पूरा प्रोटीन का पैकेट लेके घूमना बहुत डिफिकल्ट रहता है। सो वहाँ पे ये पाउचेस बहुत ज़्यादा हैंडी आते हैं। हर पाउच के अंदर एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है। अभी बता दूं, दिस नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, हाँ, बट मेरा जो दोस्त है जिसका कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको कुछ 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉर्मली ये लोग का 30% रहता है, बट इट्स अप टू यू। मैं इधर पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यूज करना रहेगा तो कर सकते हो। सो इनके मैंने दो फ्लेवर ट्राई किए, एक तो मैंगो फ्लेवर है, एक रोज ठंडाई फ्लेवर है। मैंगो फ्लेवर मेरे को ओकेश लगा, थोड़ा फ्रूटी टाइप का फ्लेवर है बट बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। मैंने इससे बेटर मैंगो फ्लेवर्ड वाले वे कंज्यूम कर चुका हूँ, बट मेरे को यूनिक लगा ये रोज ठंडाई फ्लेवर। अगर आपने ठंडाई पिए तो आपको एग्जैक्टली वैसा टेस्ट आने वाला है। एंड मेरे को मलाई कुल्फी अवतार का बहुत पसंद था, उसके बाद से ही मैंने ऐसे वियर्ड देसी फ्लेवर ट्राई करना चालू किया। एंड इसने देसी फ्लेवर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया स्टेडफास्ट। सीरियसली इसके अंदर यार रोज पेटल ये सब तक आते हैं एंड टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। एंड इसका मैं ये जो नॉर्मली लोग जो जानना चाहते हैं अगर वे प्रोटीन का रिव्यू देखेंगे तो यार क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या चीज़ें, तो बता दूं कि ये वे प्रोटीन ब्लेंड है जिसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ये मेन इंग्रेडिएंट है। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स में आइसोलेट आता है बाद में। फिर आप देखोगे ना तो इसके अंदर फेनल सीड आ गया, फेनल सीड पाउडर आ गया, थिकनर आ गया, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स आ गए, आमंड पाउडर आ गया, कार्डिमम पाउडर आ गया, इमल्सीफायर आ गया, बाद में फिर अमीनो एसिड्स हैं थोड़े इसके अंदर, स्वीटनेस डाला गया है, रोज पेटल्स डाले गए, विटामिन डाले गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंजाइम, ये सब चीज़ें डाले गए। स्क्रीन शॉट डाल दूंगा, आप जाकर आके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे पाउचेस में आते हैं, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि मतलब पाउचेस में आते हैं तो आप ईजिली कैरी कर सकते हो। आपको जिम लेके जाना जिम लेके जाओ, ऑफिस लेके जाना ऑफिस लेके जाओ, ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपके बैकपैक में हमेशा प्रोटीन पड़ा रहेगा। वो पूरा थैला लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा यूएसपी है ये पाउचेस का। एंड हर एक पाउच के अंदर है ना आपको 24.8 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है हर पाउच के अंदर। अभी बात करते हैं इसके मिक्सेबिलिटी की, टेस्ट की, वो सब चीज़ें बताऊँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही फ्लेवर ट्राई करूँगा, मैंगो की आपको बता दिया, मेरे को ओकेश लगा। अगर आपको ट्राई करना रहेगा, बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद रहेगा बट बहुत माइल्ड फ्लेवर है, उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। सो एंड अगर इसका कुछ ऐसा पता है, आजकल वो फेक सप्लीमेंट्स ये सब का चालू है तो लोग ये सब लैब टेस्ट ये सब भी करते हैं, भाई ये सब मैं नहीं करने वाला, मेरा उतना बजट नहीं है, मेरे वीडियो को उतने व्यूज़ भी नहीं आते, ठीक है। ये तो मैं खुद के लिए कंज्यूम करने के लिए मंगाता हूँ, तो इसलिए सोचा बना देता हूँ, बिकॉज मेरे को फ्लेवर बहुत डिफरेंट लगा, हटके लगा। और जैसे मैंने इसको ओपन किया, मस्त ठंडाई की फ्रेग्रेंस फैल गई रूम में, आप देख सकते हो कलर वो ये, ठीक है। और थोड़े थोड़े वो रोज पेटल और थोड़े थोड़े एलिमेंट्स दिखाई देते हैं इसमें। एक मक्खी इरिटेट कर रही है यार, बारिश के टाइम पे ये तकलीफ होती ही होती है। सो अभी आपको इसकी मिक्सेबिलिटी बताता हूँ, टेस्ट बताता हूँ, टेक्सचर बताता हूँ, बाकी क्रेजी फ्लेवर यार स्टेडफास्ट का। आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन जिसने इसका आइडिया लाया रहेगा यार कि रोज ठंडाई फ्लेवर वे प्रोटीन निकालते हैं, और इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया। मतलब वो इतना कुछ कुछ रहते हैं ना प्रोटीन, बहुत आर्टिफिशियल टेस्ट आता है, मज़ा नहीं आता। इधर देखो यार ठंडाई का जो खुशबू आ रही है ना, क्या बोलूँ, ऐसा होली वाला वाइब आ गया।
थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है प्रोटीन वाला, नो डाउट, बट क्वालिटी भी दे रहा है एंड ये डायरेक्टली उनके वेबसाइट से मिलता है तो वो टेंशन नहीं रहता अपने डुप्लीकेसी का, वो दिमाग से हट जाते हैं डुप्लीकेसी कड़े से नहीं। प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है वो डुप्लीकेसी का रहता है, वो इसमें नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट से मंगा रहे हो। सर्विस अच्छी है, फटाक से दो दो दिन में डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट, मुझे तो दो दिन में मिल गया था, ज़्यादा शेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। टैप अभी आपको बताता हूँ इसकी क्वालिटी, काश मैं थोड़ा सा वो अपने कैमरे को टिल्ट कर पाता और आपको बता पाता। ऊपर है ना पेटल्स, ऐसा वो कहते हैं गार्निशिंग करते हैं ना, रुको मैं थोड़ा टिल्ट, यार गिर जाए, सो वैसा है। खुशबू बहुत मस्त है, कुछ हटके वे प्रोटीन ट्राई करना है ना, पक गए होंगे वही टिपिकल चॉकलेट वे प्रोटीन से, वैनिला से, या तो मलाई कुल्फी से भी, यार बहुत खाली है, और कुछ अलग ट्राई करने का है ना तो ये वाला प्रोटीन ट्राई करके, बहुत डिफरेंट है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट क्वालिटी बहुत प्यारी लगी। इसका कूपन कोड डाल दूंगा मैं, 35% मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, जाके चेकआउट कर सकते हो। ये मेरे दोस्त का एफिलेटेड लिंक है, ठीक है, अगर आप कुछ परचेज करोगे तो उसको बेनिफिट होगा, वो एक कुछ अगर बेनिफिट हो तो यार ट्रांसफर कर देना इधर भी। बट प्रोडक्ट बहुत मस्त है, ट्राई करना बनता है एंड क्वालिटी भी अच्छी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर किस बात का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि हम रिव्यू करें तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, हम जरूर उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन, चीयर्स।